सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन कितने सक्सेसफुल रहे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चंद्रयान 2 मिशन मून पर लैंडिंग के दौरान क्रैश लैंडिंग की वजह से फेल हो गया था। तो हमारे चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्ट यही है कि इसकी मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। चंद्रयान 2 से पहले चंद्रयान 1 मिशन भी था जो पूरी तरह सक्सेसफुल था, क्योंकि उसका मिशन मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाना था, जो कि उसने सफलतापूर्वक पूरा किया। चंद्रयान 1 मिशन से ही हमें ये जानकारी मिली कि मून की सरफेस पे पानी हो सकता है, क्योंकि मून की सरफेस पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए जब भी सन की रोशनी उस पर पड़ती है तो मून का पानी एवेपोरेट होके स्पेस में चला जाता है। लेकिन मून की सरफेस पर एक ऐसी जगह भी है जो है उसका साउथ पोल, जहां पे ये अनुमान है कि वहां सनलाइट नहीं पहुंचती, इसलिए वहां पर पानी होने की संभावना है। चंद्रयान 3 का मिशन मून के साउथ पोल पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर वहां पर प्रज्ञान रोवर को उतारना है, जो वहां पर पानी की खोज करने के साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमारी अर्थ पर भेजेगा। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था और इसको मून तक पहुंचने में लगभग 40 डेज का टाइम लगेगा। तो अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब नासा का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 3 से 4 दिन में मून तक पहुंच गया था, तो फिर हमारे स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 को इतना समय क्यों लग रहा है। ये इसलिए क्योंकि नासा ने जिस रॉकेट से अपोलो 11 को स्पेस में भेजा था उसका इंजन बहुत पावरफुल था और वो सीधा बात यूज करके मून के लूनर सरफेस पर पहुंचा था, जबकि हम लोग उससे कम शक्तिशाली इंजन का यूज करके अपने चंद्रयान 3 को मून पर भेज रहे हैं। इसके लिए चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और स्टेप बाय स्टेप अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए और ऑर्बिट को बढ़ाते हुए एक निश्चित समय पर मून के लूनर सरफेस पर एंटर करेगा। इसके बाद ये मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करके लैंडर को मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। अगर हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाते हैं तो इंडिया वर्ल्ड में अमेरिका, रूस और चाइना के बाद फोर्थ कंट्री होगी जिसने मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, हमारा लैंडर 23 या 24 अगस्त को मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस बार मून मिशन के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, केवल लैंडर और रोवर ही इसमें होंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही मून के ऑर्बिट में काम कर रहा है और चंद्रयान 3 में इसी का यूज किया जाएगा। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसमें से एक रोवर बाहर आएगा जिसका नाम प्रज्ञान है, और ये मून की सरफेस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेगा और इससे हमें मून के बहुत से सारे अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। ये जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।